बैलघाट थाना क्षेत्र के रावतपार में 12 मई को ईंट से सिर कुचलकर की गई हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है, जिसमें 4 अभियुक्तों को पुलिस ने कत्ल के प्रयुक्त सामग्री के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार हत्या का कारण प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है। पुलिस लाइन सभागार में घटना का खुलासा करते हुए SSP शलभ माथुर ने बताया कि एक महिला से अभियुक्त प्रेम करता था। उसी महिला से मृतक केदार शर्मा पुत्र रमेश शर्मा का भी प्रेम प्रसंग था, जिसको लेकर अक्सर विवाद होता रहता था, जिसको लेकर अभियुक्तों में लड़की को अपने साथ मिलाकर केदार की हत्या कर दी। मामला तब खुला जब केदार का मोबाइल सेट पुलिस के हाथ लगा। पकड़े गए अभियुक्तों में थाना बैलघाट निवासी फिदा हुसैन उर्फ सोनू पुत्र हैदर अली, राम सिंह पुत्र हरिश्चंद्र, राजकुमार शर्मा पुत्र भगवान दास, राधिका पुत्री विजय मौर्य शामिल है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SSP शलभ माथुर ने बताया। आगे बहुत पीछे हैं, ये शुरू में जो अपना मोबाइल एक्चुअली जो रिकवर हुआ वो किसी और के पास रिकवर हुआ, और रिकवरी के बाद जिस आदमी ने बताया उसने कुछ और लोगों का नाम बताया, जिससे उसने रजिस्ट्रेशन कोई और थी, पुलिस शुरू में उनसे पूछताछ कर रही है, बाद में पूरी घटना का नाम डेड बॉडी मिली थी थाना बैलघाट के अंदर का, और ये डेड बॉडी शुरू में अनआइडेंटिफाइड थी। इसको एक 2 अलग अलग बोरों के अंदर रैप करके शॉल के साथ रखा था। ये पिछले महीने 14 मई की घटना है, और इस डेड बॉडी का पहले शिनाख्त हुई, शिनाख्त के बाद इस घटना का अनावरण किया गया। इस घटना के अंदर 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये बैलघाट थाना के अंतर्गत केदार शर्मा नाम के व्यक्ति की डेड बॉडी थी, जो बेसिकली बढ़ई का काम करता था। घटना के अनावरण में ये प्रकाश में आया कि उस जो मृतक था उसके एक महिला जो थी उससे परिचय था, साथ ही साथ कुछ समय के बाद उस महिला का परिचय कुछ एक व्यक्ति से और हुआ। इस चीज़ को लेकर दोनों के बीच में कशीदगी होती रही। लगातार वो महिला को घर जाना और इस तरह की चीज़ें वहाँ पर चल गई थी। जो मृतक था उसके घर वालों को भी इस चीज़ की जानकारी प्रकाश में आई। घटना के दिन उसके एक रात पहले उन्हीं के गांव में एक शादी थी। शादी के अंदर जो अभियुक्त पक्ष है वो अपने साथियों के साथ आया, और जब मृतक शराब के नशे में हो गया तो उसको सुनसान में ले जाके ईटा और डंडा मार के कूच कर उसकी हत्या कर दी, और उसके बाद उसको रैप करके वहाँ से फेंक दिया। इस घटना का अनावरण किया गया है, और इसके अंदर सोनू, राम सिंह, राजकुमार, ये 3 लोग जिन्होंने उसकी हत्या की, साथ में महिला भी जो थी वहाँ पर मौजूद थी, इन 4 लोगों को गिरफ्तार किया। इन लोगों ने अपने जुर्म का इकबाल किया है और अलग अलग बरामद की गई है। एक साथी अभी फरार है, उसकी भी गिरफ्तारी कर ली गई। सर, महिला भी पकड़ी गई? महिला भी पकड़ी गई।